आखिर एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक जाने में 7 से 9 महीने क्यों लग जाते हैं? आपको ये तो पता होगा कि सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में अलग अलग स्पीड पर चक्कर काटते रहते हैं। इसी कारण दो प्लैनेट्स के बीच की दूरी बदलती रहती है, जिससे इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 400 मिलियन किलोमीटर और मिनिमम डिस्टेंस 55 मिलियन किलोमीटर होता रहता है। ऐसा हर 26 महीने में केवल एक बार होता है, जब दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं। अगर इस समय कोई स्पेसक्राफ्ट 58,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से मार्स की तरफ जाए तो पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होने में बस 40 दिन ही लगेंगे। सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स रुकते नहीं हैं, वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और हमारे पास अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं बनी कि कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट को तेजी से पार करके 55 मिलियन किलोमीटर का सफर पूरा करके मार्स तक सीधे पहुंच जाए। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को तब लॉन्च किया जाता है जब मार्स पृथ्वी के एकदम नजदीक होता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट 470 मिलियन किलोमीटर का सफर पूरा करके मार्स तक पहुंचता है।